हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरआरबी टाइमलाइन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल आरआरबी टाइमलाइन पे। दोस्तों, फाइनली आरआरबी अहमदाबाद यानी कि वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ग्रुप डी का डीवी और मेडिकल के लिए पार्ट टू का लिस्ट जारी कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी अहमदाबाद से डीवी और मेडिकल के लिए पार्ट टू का लिस्ट जारी कर दिया है। जैसे कि आप सभी को पता है, अहमदाबाद से पहले एक लिस्ट जारी किया गया था जो पार्ट वन था। जिस पार्ट वन लिस्ट से जिन सभी कैंडिडेट ने सिलेक्शन लिया है, उन सभी कैंडिडेट आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देके आप अपना नाम और रोल नंबर भी चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा जोन में, कौन सा डिवीज़न में सिलेक्शन हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे फिर पार्ट टू में डीवी और मेडिकल के लिए यहाँ पे लिस्ट जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे पार्ट टू के लिए कितना कैंडिडेट को बुलाया गया है, सब कुछ डिटेल से बताएंगे। आरआरबी अहमदाबाद यानी कि वेस्टर्न रेलवे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट में ले जाकर सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही आरआरबी रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ वेस्टर्न रेलवे आरआरबी अहमदाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट में, जहाँ पे पूरा सब कुछ आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी आरआरबी अहमदाबाद यानी कि वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुकी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो वेबसाइट है दोस्तों, ये वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है वेस्टर्न रेलवे, आप देख सकते हैं, और ये आरआरबी अहमदाबाद के अंडर आता है। दोस्तों, जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आप देख सकते हैं, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 02/2018 लेवल 1 पोस्ट 7 CPC पे मैट्रिक्स। जैसे आप इस पेज में जाएंगे दोस्तों, उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देगा क्लिक हियर टू व्यू प्रोफेशनल पैनल पार्ट टू। जैसे आप इसमें क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक PDF ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे PDF डाउनलोड हो गया है। जैसे ही ये PDF डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल पार्ट टू CEN 02/2018 लेवल 1 पोस्ट ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स। उसके नीचे दोस्तों दी गई है यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, वेस्टर्न रेलवे हैड डिक्लेयर द प्रोविजनल पैनल पार्ट वन ऑफ 4050 नॉन PWD कैंडिडेट ऑन 8/5/2019। केसेस ऑफ सम ऑफ द कैंडिडेट वर कीप पेंडिंग नाउ ऑन कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मेलिटीज एज पर द प्रोसीड्योर लेट डाउन बाई आरआरबी बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे फर्दर डिक्लेयर द प्रोविजनल पैनल पार्ट टू ऑफ 805 नॉन PWD कैंडिडेट ऑन 28/6/2019। द डिटेल्स ऑफ दिस प्रोविजनल एम्पैनल्ड कैंडिडेट आर एज अंडर। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे UR के लिए 348 कैंडिडेट को बुलाया गया है, OBC के लिए 275, SC के लिए 117 और ST के लिए 60, CCAA कैंडिडेट के लिए 5, टोटल 805 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है आपका सेकेंड पैनल में। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है सेकेंड लिस्ट में, उन सभी कैंडिडेट का रोल नंबर आप देख सकते हैं। और आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो सभी कैंडिडेट के यहाँ पे रोल नंबर दी गई है। आप यहाँ से जाके डायरेक्टली आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो। इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, वहाँ से जाके आप अपना रोल नंबर यहाँ से चेक कर सकते हो। उससे बाद में आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं सबसे पहला जो पैनल आया था, उस पैनल पे यहाँ पे टोटल 4050 कैंडिडेट को बुलाया था। अभी जो पैनल आया दोस्तों, यहाँ पे 805 यानी कि टोटल 4855 कैंडिडेट को अभी तक बुलाया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या पैनल थ्री भी यानी कि पार्ट थ्री भी आएगा प्रोविजनल डिक्लेरेशन रिजल्ट के लिए आपका। तो मैं आपको दोस्तों बता दूँ, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे जो वैकेंसी आया था वैकेंसी टेबल में, वहाँ पे आपको पूरा क्लियरली बता दूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी आया था, उस वैकेंसी टेबल में मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरआरबी अहमदाबाद से टोटल कितना वैकेंसी आया था। यहाँ पे दोस्तों, आरआरबी अहमदाबाद से टोटल 6078 वैकेंसी यहाँ पर जारी की गया था, एक्सक्लूडिंग एक्सर्विस मैन CCA। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 4855 कैंडिडेट को बुलाया, यानी कि 2000 कैंडिडेट अभी भी यहाँ पर कम है। तो हो सकता है कि पार्ट थ्री भी आरआरबी अहमदाबाद से जारी की जाए बहुत ही जल्दी, क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, टोटल अभी तक 4855 कैंडिडेट को बुलाया है, और यहाँ पे आरआरबी अहमदाबाद में जो टोटल वैकेंसी था वो 6078 वैकेंसी था। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकेंड पैनल आया है, इसमें टोटल 805 कैंडिडेट को बुलाया है। तो टोटल जो वैकेंसी था, अभी तक टोटल वैकेंसी पूरा नहीं हुआ है, तो हो सकता है फिर से एक पैनल आरआरबी अहमदाबाद से जारी की जाए। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें पैनल वन में जिन सभी कैंडिडेट ने सिलेक्शन लिया है, आप नीचे यहाँ पे देख पाएंगे क्लिक हियर टू व्यू अलॉटमेंट डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट पैनल वन।
जैसे आप इस लिस्ट में क्लिक कीजिएगा आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। आपको अपना रोल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ देकर जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने पैनल वन में अगर आप सिलेक्शन लिए हैं ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा कि नहीं आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों फाइनली आरआरबी अहमदाबाद की तरफ से जो भी अपडेट आया था मैंने आपको पूरा अपडेट बता दिया हूँ। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या तो फिर डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट पे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही आरआरबी रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।